सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा के चैप्टर नंबर 1 को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर पूरा आज मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। शैक्षिक समावेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो समावेशी शिक्षा है इसका अर्थ क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी है और किन किन बच्चों को इसके अंतर्गत हम शिक्षा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है या शैक्षिक समावेशन किसे कहते हैं। देखिए, शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। तो समावेशी शिक्षा, याद रखिएगा, शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा एक ही बात है और ये सभी बच्चों पर लागू होती है। ठीक है, चाहे कोई शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो, मानसिक रूप से उसको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो या विशिष्ट गुणों से युक्त बालक हो, सभी लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षा नहीं देती है। विशिष्ट शिक्षा का इतिहास अत्यंत विशाल है। प्राचीन काल में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होते थे तथा वैश्यों एवं शूद्रों को भी शिक्षा उनके अनुरूप अलग अलग प्रदान की जाती थी। उस समय कार्यों का वर्गीकरण विभिन्न प्रतिभाओं के अनुरूप किया जाता था, अर्थात विभिन्न प्रतिभाओं से संपन्न छात्रों को अलग अलग श्रेणी में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता था। समावेशी शिक्षा संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, यह सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्पष्ट रूप से ये बताया गया जो शैक्षिक समावेशन है इसमें हम सामान्य बालकों को शामिल नहीं करते, इसमें हम विशिष्ट बालकों को शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड जिसको हम कहते हैं, ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में, सुनने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, जिन्हें सीखने में समय लगता है, ऐसे बच्चे, तो ये सभी बच्चे विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं और इन सभी की जो शिक्षा होती है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। और ऐसी शिक्षा अक्सर आप बड़े बड़े देशों में देखिए, तो आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली जो स्कूल है वो आवासीय बनाए गए हैं कि बच्चे वहीं पर रहें भी, वहीं पे पढ़े भी। जैसे आज के समय में आप देखते हो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय होते हैं, जिसमें लड़कियां रहती भी हैं, क्लास 6th 7th ईयर की लड़कियां वहां पर रहती भी हैं और पढ़ाई भी करती हैं रह करके। ठीक है, नवोदय विद्यालय जैसे कि आपने देखा होगा, जहां पर बच्चे रहते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो विकासशील होते हुए भी हमारे देश में इस प्रकार की संस्थाओं का अभाव है। अतः समावेशी बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज भारत के महानगरों में ऐसी संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे देश में, अभी मैं छोटे शहरों की बात अगर ना करूं, तो बड़े शहरों में, महानगरों में आपको इस तरीके की संस्थाएं देखने को मिल जाती हैं, इस तरीके की सुविधाएं सरकार ने की है, जहां पर ऐसे बच्चों को निःशुल्क और आवासीय विद्यालय मिल रहे हैं, जहां पर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी मिल रही है, रह भी रहे हैं और अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ, मैंने भी आपसे कहा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस क्लास में। तो ये क्लास पूरा आज यहाँ पर चैप्टर 1 हम पूरा क्लोज करेंगे पढ़ करके समावेशी शिक्षा के बारे में। तो देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। अब ऐसे बच्चे जिनको देखने में समस्या है, जिनको बोलने में समस्या है, जिनको सुनने में समस्या है, जो किसी प्रकार से विकलांग बालक है, जो चल नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जब हम एक ऐसा स्कूल बनाते हैं जहां पर वो बच्चे रह भी सकें, वहां पर वो बच्चे पढ़ भी सकें, यहाँ पर वह मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, जिन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद जिस विद्यालय में जाती हूँ पढ़ाने, उस गांव में वो बच्चा कक्षा 5 पास हो चुका है, तो अब उसे ऐसे स्कूल में भेजा गया है जहां पर वो रहता भी है, उसे खाने को भी मिलता है, वहां पर उसको उसकी देखभाल भी होती है और उसको पढ़ाया भी जाता है। ऐसे विद्यालय में उसके माता पिता ने बच्चे के भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों, इन बालकों के लिए यहाँ पर ये जो शिक्षा है, अगर वहां पर रहने की भी सुविधा हो, खाने की भी सुविधा हो, पढ़ने की भी सुविधा हो, तो इससे बच्चों का
जो जीवन है वो आसान हो जाता है, उनके माता पिता को भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और आसानी से वो अच्छी अच्छी पढ़ाई करके यानी कि शिक्षा अच्छी ग्रहण करके वो अपने सपनों को भी वो पूरा कर पाते हैं। तो यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है यानी कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना करे। ठीक है, यानी कि ऐसे विशिष्ट बालक जो किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता से ग्रसित होते हैं, ऐसे बच्चों को इस तरीके की पृष्ठभूमि या ऐसा ना हो कि सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होने से, उनकी उम्र बड़ा हो जाने से उनको पढ़ने की सुविधा ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के अंदर अगर योग्यता है तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और इस तरीके से समावेशी शिक्षा यही बताती है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे वो बच्चा किसी भी रूप से अक्षम बच्चा हो या बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा हो, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा का पूरा अवसर मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा, कार्यशील बच्चे, फिर है सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, फिर है प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, इसके बाद HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चे। तो समावेशी शिक्षा के विकास हेतु आप देख सकते हो यहाँ पर ये कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो आप देखिए सड़कों के किनारे रहते हैं, ऐसे बच्चे जो प्रवासी श्रमिकों के बच्चे हैं, यानी कि अगर आपके घरों के आसपास ईंट भट्ठे होंगे तो आप देखते होंगे कि वहां पर काम करने के लिए लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड से लोग आते हैं काम करने के लिए, और वो काम करने आते हैं साथ में वो अपने परिवार यानी कि अपने बच्चों को भी लेकर के आते हैं, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता किसी विद्यालय में। यानी कि सरकारी विद्यालय में भी एडमिशन के लिए बच्चे की एक उम्र चाहिए, आपको पता है 6 साल से पहले एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि घूमते हैं, आसपास घूमते हैं, और वो उनके माता पिता तो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे वहीं उसी मिट्टी में खेलते हैं, घूमते हैं, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है क्योंकि ये दूसरे राज्यों से आए होते हैं, तो इस वजह से बहुत समस्या होती है। तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं कि ये बच्चे अपने घर पर रहे तो वहां भी पढ़ सके, और जहां इनके माता पिता काम करने जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं, वहां भी ये बच्चे पढ़ सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि समावेशी शिक्षा में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो देखिए, विद्यालय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को या व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना होगा या करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखने चाहिए ताकि वे उनके बच्चों की उन्नति व औन्नति के बारे में बता सके। तो आप सभी को पता है कि शिक्षकों का संबंध बच्चों के माता पिता से यानी कि पेरेंट्स से अच्छा होना बहुत जरूरी है और हमेशा संपर्क बना रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर बच्चों को तुरंत शिक्षकों को पता चल जाए कि बच्चे को किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या चीज दिक्कत आ रही है, क्योंकि माता पिता से बच्चे खुल करके अपनी बातों को बताते हैं और माता पिता जब शिक्षकों से बिना किसी झिझक के सारी बातों को, बच्चे की परेशानियों को या अच्छाइयों को सबको खुल करके बताते हैं, तो इससे जो शिक्षक छात्र संबंध होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और इससे बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जहां तक संभव हो प्राथमिक शिक्षा को सर्वत्र सुलभ कराना होगा, तो इसीलिए आप देखते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसीलिए ये चीज कहा गया था कि प्रत्येक 1.5 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 का होना चाहिए ताकि आसानी से बच्चे अपने परिवेश में रह करके, अपने ही गाँव में रह करके वो शिक्षा ग्रहण कर पाए। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना होगा, भाषागत समस्याओं को ध्यान में रखकर इन समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान ही होते हैं क्योंकि शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके जिससे वो अपने जीवन में जो चाहे वो कर पाए। जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, उसने सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो जाएगी,
वो कोई भी काम करेगा अपने जीवन में तो वो बहुत अच्छा करेगा। तो चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, यानी कि जिसमें हम विशिष्ट बालकों को या शिक्षा देते हैं, या सामान्य शिक्षा हो जो सामान्य विद्यालय में दी जाती है, ये दोनों ही प्रकार की जो शिक्षा है इनके जो उद्देश्य है, चाहे कोई बच्चा सामान्य बालक हो वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, और कोई बच्चा जो विशिष्ट बालक है जिसे किसी प्रकार से शारीरिक अक्षमता है या फिर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, सभी बच्चे अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। तो इसीलिए चाहे समावेशी शिक्षा हो चाहे सामान्य शिक्षा हो, दोनों का जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल समान होता है। जैसे देश का विकास, बिल्कुल जब हम बढ़े जब हम पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। ठीक है, तो देखिए समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे पहला है कि जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक है, यानी कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सही से देख नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो जिनके हड्डियों में किसी प्रकार की दिक्कत है, जो सही से चल नहीं पाते हैं, जो व्हील चेयर पर बच्चे हैं, उन बच्चों की शिक्षा हम किस तरीके से आसान बनाएं और उनके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याओं को सुन करके समझ करके उसको दूर करना और उनकी सभी प्रकार की कमियों का भी समाधान करना, यही है समावेशी शिक्षा। तो शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। जैसे अभी किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो अगर हम सुनने वाली जो मशीन है उसका प्रबंध किसी प्रकार से सरकार जो योजनाएं चलाती है उसके माध्यम से जब हम करते हैं, जैसे अब कोई बच्चा एक तरीके से चल नहीं सकता, उसके हड्डी में दिक्कत है, उसे व्हील चेयर की जरूरत है, तो सरकार ऐसे बच्चों को व्हील चेयर मुहैया कराती है, हर साल इसको बांटती है। तो ये सब चीजें बच्चों को जहां तक हो सके उनकी आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनको उनका पहचान करके हमें उन बच्चों तक उन संसाधनों को पहुंचाना, जिससे उनके लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाए। जब जीवन आसान हो जाएगा उनके लिए तो आसानी से वो शिक्षा भी उनके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो शारीरिक विकृत बालक, ऐसे बच्चे जिन किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं की सर्वप्रथम हम पहचान करेंगे कि क्या कमी है बच्चे में, और फिर उसका निर्धारण करेंगे और उसकी समस्या का भी हल करेंगे। तो देखिए शारीरिक दोष से की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना। इसके बाद शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जैसा मैंने कहा कि ऐसे बच्चे जो जिन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या है, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उनको उनके रहने खाने की सभी की व्यवस्था करना, ये हमारी या सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे बच्चों को हमें एक शिक्षक के रूप में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आसपास ऐसे बच्चे हैं हमारे तो उनको हम जरूर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। फिर है शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना। इसके बाद समावेशी बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर है समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। फिर है दोस्तों समावेशी बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। फिर है समावेशी बालकों की समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। इसके बाद है समावेशी बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अक्षम होते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षक के व्यवहार की, यानी कि शिक्षक के अच्छे व्यवहार की बहुत अधिक जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर समाज में हीन भावना के शिकार होते हैं, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को बहुत जरूरी है कि शिक्षक का प्यार, विद्यालय का प्यार और उनके प्रति सहानुभूति होनी बहुत जरूरी है। जब ऐसे बच्चों को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, जब आसपास के लोगों का व्यवहार अच्छा रहेगा या विद्यालय का व्यवहार अच्छा रहेगा तो ऐसे बच्चे जो सीखना चाह रहे हैं, यानी कि अगर स्कूल में सीखने के लिए आए तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए समावेशी बालकों के प्रकारों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सभी बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ कमजोर तथा कुछ बलवान होते हैं।
तो एक ही कक्षा में आप देखेंगे कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा बड़ा है, कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा दुबला है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही कक्षा में आप देखोगे अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। अब इसी में से कोई बच्चा होगा जो एक बार ही सवाल बताने पर बहुत अच्छे से सीख जाएगा, और इसी में से कोई होगा जो तीन बार ही बताने पर नहीं समझेगा। यहाँ पर देखिए, कुछ बालकों की सीखने की क्षमता अधिक होती है और वे जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा इन्हें जो भी पढ़ाया या सिखाया जाता है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहां बालकों में आपस में अंतर कम होता है तो शारीरिक रूप से लगभग समान होते हैं, मानसिक रूप से वह भी लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं तथा मान्यताओं की परिधि में होता है। इनमें संप्रेषण करने की क्षमता भी सामान्य मात्रा में होती है। वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हो तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जब वह बच्चा जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता, सीखने की अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बोलने संबंधी विकारों, बौद्धिक निम्नता एवं सृजनात्मकता की कमी की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उन्हें समावेशी बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। समावेशी बालकों की श्रेणी में व्यवहारिक समस्या वाले, सीखने की निर्योग्यता वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं या जो जिनकी जो सीखने में निर्योग्यता या फिर ये कहें जो बहुत लेट में सीखते हैं बार बार बताने के बाद भी, और ऐसे बच्चे जो शारीरिक विकृति वाले होते हैं यानी कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या देख नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और ऐसी शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, समावेशी बालकों हेतु सरकार क्या क्या अवसर सरकार के अकॉर्डिंग इन बच्चों को मिलता है। तो समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन कार्य योजनाओं एवं नीतियों का विवरण इस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, समावेशी बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। फिर है, अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। दृष्टि बाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहां तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। फिर है, भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों के की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सामान्य स्कूलों की बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई की तो ऐसे ऐसे बच्चे थे स्कूल में जो जिन्हें चलने में प्रॉब्लम थी या जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, ऐसे बच्चे स्कूल में आते थे। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिले हैं जो जो जिनको दिखाई नहीं देता हो उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया गया हो, या ऐसे बच्चे जो जो बोलने में असमर्थ हो या जो सुनने में असमर्थ हो। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है समावेशी शिक्षा में, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात की जा रही है कि ऐसे बच्चों को पूर्णतः सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज स्पष्ट रूप से कही जा रही है, चाहे कोई बच्चा दृष्टि बाधित हो, चाहे वाणी बाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, सभी बच्चों को अगर संभव हो तो सामान्य बालकों के साथ ही एक ही कक्षा में बैठा करके शिक्षा दी जाए। यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यानी कि ऐसे बच्चों को हमें हीन भावना से नहीं देखना है, बल्कि उनके अंदर जो कमजोरी है उसको हमें ताकत में बदलना है। सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए जो कि निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए, पहला है, समावेशी तथा सामान्य बालकों का एक ही कक्षा में प्रवेश, आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश, शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना, यानी कि वही बात कि बच्चों को रहने के लिए सुविधा देना। और ऐसे बच्चे अगर कहीं किसी कल कारखाने में काम कर रहे हैं, जूठे बर्तन धुल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके लाना और इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, इनके रहने खाने पढ़ने की सभी की व्यवस्था करना या सभी की सुविधा देना, सामान्य पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। यानी कि ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार से समस्या से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण के लिए शिक्षण विधियों एवं सामग्री का प्रयोग तथा समायोजन करना।
फिर है शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण तथा सामग्री का उपयोग करना। तो शिक्षा में अगर हमें जरूरत पड़े तो हम TLM सामग्रियों का भी प्रयोग करके बच्चों को और अच्छे से पढ़ाएंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना, बाधित बालकों की शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शैक्षिक कार्यक्रम का प्रारूप POA 1992 ने भी शारीरिक व मानसिक बाधित बालकों की शिक्षा हेतु प्रेरित करने के अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। इसमें बालकों की सुविधाएं देने हेतु भी अनेक प्रकार के प्रावधानों को महत्व दिया गया तथा बाधित को दी जाने वाली शिक्षा पर भी जो विद्यालय खरे उतरते हैं उन्हें और अधिक प्रेरित करने पर बल दिया गया। अब समावेशी बालकों की पहचान तथा अध्यापक की क्या भूमिका है इसके बारे में हम जानते हैं। तो अधिकांश बाधित बालक विद्यालय तथा समाज में बिना पहचाने रह जाते हैं, चाहे वे स्कूल जाते हैं अथवा नहीं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान कर सके। ये बालकों के व्यवहार द्वारा उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकार के बालकों को चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्र तथा गाँव में मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा अधिकारियों को समावेशी बालकों के लिए चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक क्रियात्मक सृजनात्मक निर्धारण कर सकता है और इस आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्रियात्मक निर्धारण के माध्यम से चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि कार्यक्रमों को प्रभावशाली तथा सफल बनाना है तो प्रत्येक स्थिति में चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यदि अवरोधित कार्यक्रमों को प्रतिभाशाली तथा सफल बनाना है तो प्रत्येक स्थिति में चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण का विषय समावेशी बालक होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर मनोवैज्ञानिक नहीं हमें उपलब्ध हो सकते, बड़े बड़े शहरों में तो हमें मिल जाएंगे लेकिन गांवों में या छोटे कस्बों में मिलना असंभव है। तो ऐसी स्थिति में जो एक शिक्षक है उसी की भूमिका बनती है कि किस तरीके से बच्चे के व्यवहार को समझ करके वो शिक्षक बच्चे को शिक्षा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो पहला पेपर था आपके समावेशी शिक्षा का, इसको यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों, और चैनल से बने रहिए। और फर्स्ट पेपर का मैंने सिलेबस बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। कोई भी डाउट हो थर्ड सेमेस्टर के से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।